ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते साथियों, हमें अभी और बहुत आगे जाना है। तैयार है सर? चलो हम चले। मुझे अपने पंजे अजीब लगते हैं। मेरे सिंह भी हर जगह फंस जाते हैं। वो कितने ताकतवर होंगे ऐसे उड़ने के लिए। और क्या तुमने देखा वो अपने सिर कैसे रखते हैं? ये बहुत अच्छा है। तुम बहुत शानदार लग रहे हो। मेरे साथ झील तक दौड़ लगाओगे सिम्बा? सिंह में बहुत खुजली हो रही है। मुझे कोई अच्छा पेड़ मिल जाए खुजाने के लिए। अरे अरे, इसका क्या मतलब है? क्या कर रहे हो तुम? यहाँ घोसले में मेरे बच्चे हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। क्या तुम्हें पता है इन्हें गिरने से बचाना कितना मुश्किल होता है? मुझे माफ कर दीजिए चिड़िया रानी, वो मेरे सिंह में खुजली हो रही थी इसीलिए। तुमने उनकी नींद खराब कर दी, बिल्कुल नहीं सोएंगे। मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। देखा क्या कर दिया? क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारे दोस्त ने थोड़ी सी खुजली की और मेरा घर लगभग नष्ट हो गया। और यही एक तरीका है उसके सिंह को जाने का। दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो जरूर, तुम सब यही बोलते हो। बल्लू और बगीरा भी अपने नाखून तेज करने यही आते हैं। तुम्हारा दिन अच्छा हो। अब क्या अच्छा होगा, चलो निकलो। ओ, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ आ गई है। हाँ, तुमने देखा? तुम देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा हमें क्या करना है, क्योंकि तब हम बड़े और ताकतवर होंगे और हमें कोई हरा नहीं पाएगा और सब हमारा आदर करेंगे। हाँ, चलो तैरने चलते हैं। ठीक है, चलो। रुको, अब तुम अपने दोस्तों से भी डरने लगे? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं डरे, हम तो बस हमारी ताकत जांच रहे थे। अच्छा, ऐसा क्या? आहा, मैं समझता था तुम किसी से नहीं डरते। तुम अजय हो। हाँ, तुम्हें हमें थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए। ऐसे क्यों चल रहे हो? चाहिए कि सभा में गंभीरता से लें। हाँ। मैं समझता हूँ। हम चाहते हैं कि हमसे सब बड़ों की तरह पेश आएं। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ऐसा होगा। कब ओमान? हाँ, कब? जब सही समय आएगा तब। ये कब होगा? हाँ, हम कब तुम्हारी तरह बड़े होंगे? धैर्य रखो, हर एक दिन का मजा लो और अपने जीवन का भी। जिंदगी का हर वक्त कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। पर हम कब बड़े होंगे? जब प्रकृति को लगेगा कि तुम हर हालात का सामना करने और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारा मतलब शारीरिक रूप से बढ़ना है सिम्बा, तो तुम्हें एक साल और रुकना पड़ेगा और बख्श और तुम्हें भी रुकना पड़ेगा। तुम इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो? हाँ?
क्या हो रहा है? ये पत्थर तो तैर रहा है, बचाओ। शांत रहो, मैं आ रहा हूँ। बचाओ। ये एक राक्षस है। तुम मेरी पीठ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कछुआ नहीं देखा? बताओ। बेशक, बस इतना बड़ा कभी नहीं देखा। तुम इस बच्चे को किनारे पर ले जाओ, जाओ। वहाँ सूखी जमीन पर। सिम्बा, सिम्बा, बकशॉट। क्या तुम ठीक हो? मैं तो डरा भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए। रानी साहिबा, क्यों ना आप इन बच्चों को कुछ बताएं? आप कितनी बड़ी हो। शुक्रिया। सालों लगते हैं इतना बड़ा होने में। हाँ, सदियाँ लगती हैं। तुम्हें पता है कछुए कभी बढ़ना बंद नहीं होते। तो तुम इस नदी से भी पुरानी हो? नहीं, पर आस पास। आपको तो सब पता होगा। कहाँ हो सकते हैं वो? मैं ऊपर चल के देखता हूँ, कहीं तो दिखाई पड़ेंगे वो। वो थोड़ा आगे ही है, एक बड़े पत्थर के पास। चलो चले। वो कोई पत्थर नहीं है, कछुए जैसा लग रहा है। क्या समुद्र लुटेरे कछुए की खाल में खजाना छुपाते थे? हाँ, ताकि उन्हें याद रहे। शायद हमें सोना मिल जाए। चलो जासूसी करते हैं। आओ भी। चुप रहो। माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन तुम इतने हल्के हो कि मुझे पता ही नहीं चला। क्या तुम इस दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए हो? मुझे सच में नहीं पता, पर ये हो सकता है क्योंकि मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करती। आपको नहीं पता? क्योंकि मैं हमेशा तुम जैसे जवानों से मिलती रहती हूँ। मेरी दादी माँ ये कहा करती। हाँ, मुझे पता है। तो क्या आप इस दुनिया के सबसे पुराने कछुए हो? मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे पुराना नियम है कि औरतों की उम्र कभी मत पूछो। माफ कीजिए, पर हमें कुछ तो बता दीजिए। हाँ, देखते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उमान के दादा दादी को संभालती थी। तो आप दुनिया की शुरुआत से हो? मैं बहुत पुरानी हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं। पृथ्वी पर जिंदगी 3 अरब साल पहले शुरू हुई थी। उतने ही पत्थर इस झील में हैं। शांत रहो। सच्ची? बहुत पहले जब पृथ्वी का वातावरण बहुत घनी गैसों से बना हुआ था। हाँ, और जानते हो, उस वक्त ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी और आकाश लड़ रहे हों कि दुनिया पर कौन राज करेगा। तब बहुत ही हंगामा होता था और पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूटते थे। तभी हर तरह की जमीन का निर्माण हुआ। अणुओं में वो पदार्थ होते हैं जो जीवित प्राणियों की कोशिकाओं को बनाते हैं। अणुओं से? हाँ, बहुत छोटे छोटे कण।
तुम कह सकते हो कि जिंदगी के बीज, जीवन की शुरुआत उसी से हुई है। हमें और बताइए महारानी साहिबा। ये छोटे कण सभी जीवित प्राणियों के जीवन का सार होते हैं, समझे? चुप रहो। अगर तब सिर्फ अणु थे तो आपको ये सब कैसे पता चला? हाँ, आपको कैसे पता यही हुआ है? मैं ऐसी प्रजाति का हिस्सा हूँ जो जन्म से ही सब कुछ जानते हैं। ये हमारी अनुवांशिक विरासत है। वो क्या है? अनुवांशिक विरासत? हाँ। ये हमारा इतिहास है। करीब 1 अरब साल बाद अणु धीरे धीरे परिवर्तित हुए और वो छोटी छोटी खूबसूरत जेलीफिश बन गए, जिन्होंने खुद को पोषक बनाने के लिए पानी को साफ किया। तब समंदर में बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी थे, जैसे कि प्रोटोजोन्स, जो एक ही कोशिका से बनते हैं। और इस तरह एक समय के लिए विकास धीमा हो गया और बहुत लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर जुरासिक काल आया और कुछ 200 करोड़ साल पहले सभी तरह के जीव आए, और तभी इथियोसॉरस आए, और सागर जिसने पूरी पृथ्वी को ढका हुआ था समुद्री जीवों से भर गया। फिर कुछ जीव सूखी जमीन पर आए, जिन्हें उभयचर कहते हैं, और उनकी संख्या बढ़ गई। उभयचर क्या होता है? मुझे दुख रहा है, वो मेरी पूंछ पे बैठी है। देखो, कुछ करो। मैं भी एक उभयचर हूँ और तुम भी। क्या ये सच है? हाँ उमान, तुम डायमेट्रोड्रॉन से संबंधित हो, एक भयानक सरीसृप युग से। वो उभयचर से संबंधित था। ये जीव पानी और जमीन दोनों पर जिंदा रह सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं पुरानी यादों में खो गया। पर वो जीव तुमसे और मुझसे अलग थे, क्योंकि वो समय के साथ बदलते रहे और इस तरह हम इस रूप में आए। अरे कुछ कर। और उस पूरे काल में वातावरण बहुत ही गर्म और उमस से भर गया था, जिससे कीड़ों के लिए एक अलग वातावरण बन गया, जिससे कीड़ों को पैदा होने का अवसर मिला। और लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले उभयचर ने पृथ्वी पर राज किया। उसके बाद हिमयुग आया और पृथ्वी का एक भाग बर्फ से ढक गया और दूसरा भाग पत्थर और रेत से। वो सभी जीवों के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था और बहुत से प्राणी जीवित नहीं बचे। हम जैसे जो खुद को बदल पाए वही जिंदा बचे, सिर्फ वही जो वातावरण में ढल गए। और सरीसृप जैसे कि ओमान और मैं बहुत खुश नसीब थे, इसीलिए हम बच गए और विकसित हुए। उसके बाद अगले 150 करोड़ सालों तक सरीसृप ने जमीन और आकाश पर राज किया। ये सरीसृप डायनासोर थे और उनमें से कुछ उड़ते थे। वो उड़े? इसका मतलब कुछ पंछी पहले डायनासोर थे? हाँ सिम्बा, वो जिंदगी का असली खजाना था। हम कछुओं की तरह महत्वपूर्ण। तुमने सुना उसने खजाने के बारे में कहा? चलो इसके कवच के नीचे देखते हैं क्या है। और कछुए इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं? सिम्बा, उन्हें सांस लेने का मौका तो दो। क्योंकि हमने ये कवच विकसित किया जिंदा रहने के लिए। घर उठा के घूमना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? अब ये मत कहना कि मेरा कवच चीज से बना है। असल में हम खजाना ढूंढ रहे हैं। खजाना? मेरे कवच के नीचे। क्या वहाँ है? अगर तुम कछुआ सूप बनाना चाहते हो तो। पर जितने साल मैंने पृथ्वी पर गुजारे हैं, मैं बस इतना ही जान पाई हूँ कि अगर तुम खुशनसीब हो तो बिना एक उंगली उठाए भी अमीर बन सकते हो। मुझे वो खजाना चाहिए। क्या वो वहाँ है? हाँ,
दरअसल खजाने का कुछ भाग तो खाड़ी के उस पार है। क्यों ना तुम सब मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें वहां ले चलूं। मैंने कभी नदी में खजाना नहीं देखा। चलो मेरे साथ। चलो चले। मेरे लिए रुको। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो मैं तुम्हें डायनासोर्स के बारे में बताने वाली थी। क्या तुम जानते हो कि डायनासोर का मतलब है भयानक छिपकली? वो इतने बड़े और इतने ताकतवर थे कि करीब 150 करोड़ साल के लिए दुनिया पर हावी हो गए थे। चलो सब उतरो। अब सबसे पहले देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। खजाना चोरी नहीं होना चाहिए। हाँ पतलू, अब हम अमीर होने वाले हैं। वाह! वो देखो, वो रहा एक संरक्षित जीवाश्म। पत्थर में तस्वीर? वही, बिना जीवाश्म के हम कभी पता नहीं लगा सकते कि पहले कौन से पेड़ और जानवर थे। ये जीवाश्म एक सेराटोसॉर का है जो बहुत पुराना है। क्या है, कुछ कीमती है क्या? सेराटोसॉर एक ऐतिहासिक जीव था जो थोड़ा बहुत हमारे मगरमच्छ दोस्त की तरह लगता था जो आ रहा है। उसे ध्यान से देखो। हाँ। पर उसके पैर बड़े थे, वो अलग तरह से चलता था। चलो आसपास देखते हैं। तो क्या आप प्रागैतिहासिक जानवरों में से हो? मैं नहीं हूँ, पर मेरे पूर्वज थे। प्रागैतिहासिक जानवर बहुत सालों पहले जीवित थे। वो कितना बड़ा लगता है! क्या वो सबसे ताकतवर डायनासोर था? दरअसल लगभग सब डायनासोर बड़े और ताकतवर थे। बहुत से डायनासोर क्रूर और मांस खाने वाले थे। उनके नुकीले दांत और नाखून थे। बाकी कार्निवोर छोटे परजीवी थे, जैसे पेट्रोसॉरस, जिनके पीछे के पैर आगे के पैरों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होते थे। वो खतरनाक जीव थे, ऐसी कठोर दुनिया में जहाँ जिंदा रहना मुश्किल था। कई जीव तो रात को चुपके से बाहर निकलते थे ताकि खतरों से बच सके। कुछ शाकाहारी जीव सिर्फ इसलिए मुसीबतों से बच सके क्योंकि वो बड़े थे, और बाकियों ने कवच विकसित किया जो ज्यादा प्रभावी थे। जाहिर है कि कुछ जीव उस युग में जीने के लिए ज्यादा योग्य थे। और सबसे प्रसिद्ध मांस खाने वाले डायनासोर थे टिरानोसॉरस। वो सचमुच बहुत खतरनाक था। वो अपने से बड़े डायनासोर पे भी हमला करने से नहीं डरता था। और सबसे बड़ा मांसाहारी जो कभी जिंदा था, वो 5 मीटर कद में था और 14 मीटर सर से पूंछ तक। और ये सब कुछ लगभग 135 करोड़ साल पहले हुआ। सब डायनासोर कहाँ चले गए? हमने कभी किसी को नहीं देखा। वो सब गायब हो गए। एक अचानक हुई घटना ने उनके जीने का वातावरण नष्ट कर दिया। तो वो सब चले गए? पर वो तो इतने बड़े और ताकतवर थे। हाँ वो थे। इस पृथ्वी पर कोई अजेय नहीं है। एक दिन एक बहुत बड़े उल्का ने पृथ्वी पर प्रवेश किया और वो सीधे महासागर में जा गिरा। उसके गिरने से भूचाल आया, उससे भूकंप और तूफान आया। जल्द ही धूल और जहरीली गैसों के बड़े बादल छा गए और तेजाब की बारिश होने लगी। वो धूल के बादल इतने घने थे कि सूरज का निकलना भी बंद हो गया और तापमान 0 से भी नीचे गिर गया। डायनासोर को कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिली और वो सब मर गए। इसलिए अब बस यही एक तरीका है डायनासोर को देखने का। ठीक है, पर हम यहाँ कैसे आए अगर सब मर गए थे तो? हाँ, मेरे दिमाग में भी यही विचार था। हाँ, कछुए जैसे सरीसृप और बालों से ढके जानवर बच गए।
आप कहना चाहते हैं मेरे पूर्व समुद्री लुटेरे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मजेदार है। तुम्हारे पूर्वज 60 करोड़ साल पहले आए। ओ, ये तो कुछ नहीं है। ये कैसे हुआ? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलता गया, समझे बच्चों? वहाँ हिमकाल का एक लंबा उत्तराधिकार था, उस समय के बाद जब पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो गई थी और पृथ्वी ने केवल इसका अनुसरण किया। तुम्हें क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगी? सोने से तो ज्यादा ही होगी। कछुओं की रानी साहिबा, कैसी हैं आप? अगस्त्या, रानी माँ ने हमें दुनिया बनने के बारे में सब कुछ बताया अगस्त्या। और तुमने कुछ सीखा? हाँ, बहुत। पर क्या ये सच है या किसी ने ये सब ऐसे ही बना के कहा है? जो कुछ मैंने बताया वो वैज्ञानिक तथ्य हैं। वैसे भी कौन इतने सब बना पाएगा, सही कहा ना? कोई भी नहीं, हम अमीर हो गए हैं। हमें हमारा खजाना मिल गया। अच्छा, तो वो क्या है? ये चमकदार पत्थर सीधे समंदर से। लग तो बड़े अच्छे रहे और बहुत सारे हैं। पर मेरे ख्याल से तो ये मामूली पत्थर हैं, जो समुंदर में पाए जाते हैं। तुम्हें अच्छी तरह सुनना चाहिए था। तुम्हें पता है रानी साहिबा असली खजाना है? उन्होंने सबसे ज्यादा समय समुंदर में बिताया है। रानी साहिबा जीती जागती उदाहरण हैं। पर अब मुझे डर है कि हमें अलग रास्ते जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी मजा आया होगा जैसे कि मुझे आया। हाँ, कैसे नहीं आता। आज मैं सपना देखूंगा कि मैं एक डायनासोर हूँ। मैं भी, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा जीव रहूंगा। देखो ये आया डायनासोर। हमारे भविष्य का नेता। वो आ गए। सिम्बा और बगशॉट ने उड़ने वाले पंछियों की खूबसूरती को बहुत सराहा जब वो ये जान गए कि वो उनके पूर्वज हैं। उम्मीद है रानी साहिबा की बातें वो कभी नहीं भूलेंगे और अगस्त्या के बातों को भी, जो कहता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है मजे करने के अलावा। हाँ, किसने भेजा वो? किसने फेंका वो? किसके पास है पीला गेंद? पर इस तरह ये गेंद तुम्हारे पास ज्यादा देर नहीं रहेगी। मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं रुक सकता खेलने के लिए। तुम भी खेलोगे क्या? सुबह हो चुकी है, पर न जाने क्यों शरीर में इतनी थकावट है। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा गिर गया। कहाँ है वो? अरे मेरा चश्मा, मुझे जरूरत है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा हो चुका हूँ। अरे कोई तो लाओ मेरा चश्मा। अरे मेरा चश्मा कहाँ है? मैं पढ़ भी नहीं सकता, ये तो अनर्थ हो गया। अरे अरे अब मैं ज्ञान कहाँ से हासिल करूँगा? कहाँ गया? तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ने वाली हो इन 5 शैतानों का ख्याल रखने के लिए? ओहो, इन्हें संभालना कितना मुश्किल है, पर ये बहुत जरूरी है। हाँ, देखो मुझे बच्चों को संभालने की आदत नहीं है, तुम चाहो मुझे यकीन है कि मैं ये कर लूँगा। हे, माँ कहाँ जा रही है? उसे किसी जरूरी काम के लिए अगस्त्या से मिलने जाना था, तो जब तक वो यहाँ नहीं आती मैं यहाँ का मालिक हूँ। हाँ?
ये आवाज़ तो अगस्त्य की लगती है। चलो चल के देखते हैं। हाँ सही है, जब भी हम हर बार खेलने जाते तो कोई ना कोई रुकावट आती है। मेरे लिए रुको। मेरा चश्मा, अरे कहाँ खो गया? मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अरे मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? अरे अरे कोई तो मदद करो, अरे कोई मदद करो। अरे मैं यही खड़ा था। हम आपका चश्मा ढूंढ लेंगे अगस्त्य। मैं यही खड़ा था, तभी मेरा चश्मा यहाँ से गिर के यही आसपास ही होगा। अरे जरा ढूंढ दो। अरे देखो तुम यहाँ से गिर सकते हो नीचे, समझेगी नहीं मेरी बात को? इतने परेशान मत हो। क्या मैं गिर सकता हूँ? दर्द हो रहा है ना? ओ, इसने खुद को चोट पहुंचा ली है। ओह बच्चों तुम यही रहना, मैं एलेक्स को लेकर अभी यहाँ आती हूँ। अगस्त्य चलो अब उठ भी जाओ। मैं कौन हूँ? हाँ? तुम लोग कौन हो? अगस्त्य आपने हमें नहीं पहचाना, हम आपके शिष्य हैं। हाँ ये अजीब है, आपको सब धुंधला दिख रहा है क्योंकि आपने अपना चश्मा खो दिया है। अब मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे याद तो आ रहा है लेकिन तुम कौन हो ये सब नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? अगस्त्य एलेक्स आई है। क्या हुआ इनको? ये सर के बल गिरे और अचानक बेहोश हो गए। ये ज्यादा गंभीर नहीं है, मैं इन्हें थोड़ी दवाइयाँ दे देती हूँ, ये ठीक हो जाएंगे और फिर इन्हें आराम करना होगा। अच्छा तो मुझे लगता है कि उससे बाद में मिलेंगे, अभी उसे आराम करना चाहिए। मैं अभी घर जा रही हूँ, तुम चाहो तो उसका चश्मा ढूंढ सकते हो, बस घर देर से मत आना। तुम ठीक हो ना? आप कौन है भाई साहब? अरे मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो ना? अब तो हमें खेलने को भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्या तुम खेलना नहीं चाहते? हाँ पर तुम नहीं खेलोगे, तुम फिर से चश्मा ढूंढने लगोगे। अच्छा तो क्यों ना हम सब मिलके चश्मा ढूंढे, फिर बाद में हम खेल लेंगे। ये कौन है? ये क्या है? ये देखो, मैंने चश्मा पहना है और अब मैं तुमसे ज्यादा अकलमंद हूँ। क्या? तुम्हारे ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब मेरे पास तुमसे ज्यादा ज्ञान है, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ। मैंने कहा हट जाओ। कभी नहीं। अगर तुमने मुझे अपना सिंहासन नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा। अब हटो और जाओ यहाँ से दूर। भागो यहाँ से। अब मेरी बात मानोगे तुम सब? तो तुम लोग अब समझ ही गए होगे कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, समझे तुम लोग? अब शेर खान को क्यों भूल जा रहे हैं महाराज? शेर खान के दिन खत्म हो गए, अब से सब बंदरों पर मैं राज करूँगा। मैं तुम कह रहे हो कि वो बंदरों का नया मुखिया है और मैं उसे जंगल का राजा मानूं? कभी नहीं हो सकता। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो बंदर इतने पागल नहीं हो सकते। क्या तुम मेरी पीठ पीछे साजिश कर रहे हो? जवाब दो तवाकी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारा जवाब ना है। अभी जाकर बंदर के मुखिया को बोलता हूँ। बंदर, मुझे यकीन है वो यहाँ नीचे नहीं आएंगे जब तक उन्होंने कुछ देखा ना हो। हाँ, जो वो हमसे चुरा सके। हाँ मुझे यकीन है वो इन सब के पीछे है। अब ये मत कहना कि तुम इनके पीछे जाओगे। कैसा लगा था तुम्हें जब बंदरों ने तुम्हारी गेंद चुराई थी? हाँ मुझे याद है, पर चश्मा की इनकी तरह नहीं होता है। मुझे यकीन है उनके पास एक और होगा। वो ये चश्मा अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना जरूरी है तो उसे ढूंढो। ठीक है, काश तुम समझने की कोशिश करते। छोड़ो जाने दो। तुम्हारे
की जरूरत किसको है? क्या ये तुम्हारे लिए बहुत तेज है? इतनी तेज हम नहीं कूद सकते। ठीक है तो फिर पहले कौन है? लगता है तुम सब यहाँ बहुत मजे कर रहे हो। हाँ मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। पर वो तो बड़े हैं। ये अच्छी बात नहीं है बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम हर बार नहीं जीत सकते। क्या तुमने कुछ खो दिया है बगशॉट? वैसा ही कुछ। हम उस बंदर को ढूंढ रहे हैं जिसने अगस्त्य का चश्मा चुराया है। क्या वो बंदर ही थे? हाँ वो पेड़ों पर छुप रहे थे। कहीं और तो नहीं खो दिया उसने? हाँ बिल्कुल। तो अगर तुम किसी बंदर को चश्मा पहने देखो तो हमें जरूर बताना, ठीक है? हम उससे चश्मा ले आएंगे। हाँ जरूर, मैं जाके अपने सारे दोस्तों से कहती हूँ कि ऊपर नजर रखें, अपना ध्यान रखना। चलो चलते हैं। काश हमें ठंडा पानी मिलता। हाँ, ये। किसने कहा कि तुम मेरी नदी में पानी पी सकते हो? हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, पानी हम सबका है। नहीं, मेरे इलाके में नहीं। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जाओ यहाँ से। मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो अच्छा हुआ हमारे पास जादुई ताकत है। तो तुम यहाँ हो? हाँ, हमें जल्दी सरदार के पास चलना चाहिए। क्या हुआ? नया मुखिया आया है और वो चश्मा पहनता है। नया पुराने सरदार का क्या? वो हमारी तरह है। ये इतना अमीर नहीं है। नया मुखिया अमीर है। चलो चलते हैं। मुझे लगा कि केवल अगस्त्य ही चश्मा पहनता है। चश्मा मुखिया के पास है। मैं और आगे नहीं जा सकता। मैं भी नहीं। इतनी गर्मी में पूरा दिन भागने से मैं थक गया हूँ। चलो आराम करते हैं। मुझे अब थोड़ी फिक्र हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है, वो ही सारे मजे करते हैं। वो जहाँ चाहे अकेले जा सकते हैं। ज्यादा परेशान मत हो, जब तुम उनकी उम्र के होगे तो तुम भी वो सब करोगे। अब हम जल्दी अमीर होने वाले हैं पतलू। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, मैं वही खड़ा था। मुझे पता था। शायद हमें सुबह होने तक का इंतजार करना चाहिए, अंधेरे में उसे ढूंढना मुश्किल होगा। तुम उनके साथ रुक सकते हो, पर मेरा कहना है कि हमें जाना चाहिए। तुम्हें पता है मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है, इससे हमें अंधेरे में डर नहीं लगेगा। तुम गाना गाओ। हाँ? क्या हुआ?
क्या तुम ठीक हो सिम्बा? नहीं, वो शब्द याद नहीं आ रहा। सिम्बा, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? हम बस अगस्त्य के चश्मे को ढूंढ रहे हैं। उन मंदिरों ने उससे चश्मा चुरा लिया है। क्या अगस्त्य ठीक है? हाँ, पर वो कुछ देख नहीं सकता। और तुम भी कुछ नहीं देख सकते। रुको, मैं अपने दोस्तों को मदद करने के लिए बुलाती हूँ। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है? हम सब बहुत करीब हैं। हम जाते हैं, अब तुम्हें हमारी रोशनी की जरूरत नहीं है। शुभ रात्रि मेरे दोस्तों। शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। हाँ, वो देखो, उसने मोटू को अपने हाथों के नीचे दबोच लिया है। अब हम क्या करेंगे? हमें पहले और पास जाना चाहिए। अगर बंदर उठ गया तो मोटू बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, तो हमें मोटू की जगह पहले कुछ और रखना होगा। हाँ, सैम की गेंद कैसी रहेगी? मैं अपनी गेंद उस चोर को नहीं दूंगा, तुम कुछ और ढूंढो। सैम, हमें मोटू को बाहर निकालना है। क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए जरूरी नहीं? ठीक है, पर मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए। हाँ, हम ले लेंगे सैम, पक्का। ये सही है क्या? तुम सच कह रहे हो? हाँ, ठीक है। देखो उधर, देखो सैम, देखो। उसका हाथ उठाना होगा। मेरी बात मानोगे? नहीं नहीं, रुको, मुझे लगता है कि हम लोग अलग हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, सही कहा, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? हम चश्मा भूल गए। हम यहाँ रुके क्यों हैं? अगर हम अभी नहीं गए तो वो हमें ढूंढ लेंगे। चश्मे को भूल जाओ। तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? चश्मा? हाँ, कहाँ है वो? वहाँ पर है, सिंहासन के पास। मेरे हाथ से वहाँ गिर गया था, मोटू को बचाते वक्त। समझ गया, तुम सब आगे जाओ, मैं चश्मा लाता हूँ। नहीं सिम्बा, ऐसा मत करो, हमें अगस्त्य के लिए करना ही होगा। यहाँ से निकलना अच्छा होगा। मुझे चाहिए कि तुम सब उस चश्मे को ढूंढो। कोई मेरा मजाक उड़ा के इस तरह से यहाँ से जा नहीं सकता। हाँ?
कहाँ गए? चले गए। लूडो लूडो। वो रहा चश्मा। तुम यहाँ किस लिए रुके हो? जाओ जाके मेरा चश्मा ढूंढो। जाओ मेरी बात मानो। जाओ चश्मा ढूंढो। मरते दम तक नहीं। तुम्हारे हिसाब से तुम बिना चश्मे के मुखिया नहीं हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हारी हिम्मत ये लो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लो, ये लो। उसने क्या हो तुम? मैं तो चटक रहूँगा। बंदर कितने बेवकूफ है। वो सिम्बा को पकड़ सकते थे लड़ने की बजाय। शेर खान को पता चल गया तो मुझे पता है किसको कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे पूरे अरे नहीं, पूरे पर उन्हें देखो, वो क्या कर रहे हैं? कितना अजीब है वो। देखो सिम्बा। सिम्बा। हम तो देखकर ही खुश हो गए। हाँ सच में। सैम, मैं तुम्हारी गेंद ले आया। शुक्रिया। क्या तुम चश्मा लाए? तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। मुबारक हो सिम्बा। मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। मुझे इसके लिए तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इस तरह से? अरे क्या बात है ना? मैं बच गया। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। अगस्त को अपने चश्मे की जरूरत होगी। हाँ चलो। बिल्कुल। चश्मा, मैं कल शायद थक गया था। मुझे याद नहीं आ रहा मेरे चश्मा कहाँ रखा। अच्छा मेरे पास दो चश्मे थे। आज बहुत धूप है। आज का दिन अच्छा रहेगा।
सिम्बा वहाँ रहा, उसने मेरा चश्मा पहना है। मुझे मिल गया। तो तुम लोग मेरे साथ कोई गंदा मजाक कर रहे थे और मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आ जाओ सिम्बा। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। कभी कभी हालात हमारे हिसाब से नहीं होते, लेकिन हमें उन कठिन हालातों से गुजरना होता है। हमारे नन्हे दोस्तों ने ये बात अच्छी तरह से जान ली। चाहे उन्हें पहचान मिली हो या ना मिली हो, उन्होंने कभी कोई अच्छा काम करने से खुद को नहीं रोका। फिर मिलेंगे दोस्तों।